आता है तो हम लोग आगे कर देता है, मतलब निकल जाता है तो पीछे कर देता है, खाली बस जा के प्याला की तरह इस्तेमाल किया फेंक देता है लोग। कि 2015 से पहले ये जो सांप्रदायिकता का बात है, हिंदू मुस्लिम की बात है, कभी नहीं हुआ करती थी, लेकिन 2015 के बाद जब MIM मुसलमानों के लिए बातों को उठाने लगी, मुसलमानों को भड़काने की काम की, तब से हिंदू मुसलमानों वाली बात बन रही। तो ऐसा क्या आप इसमें गुनहगार हैं या भाजपा वाले गुनहगार हैं? हम ये जानना चाहते हैं कि भागलपुर के फसाद को आपने नहीं भुला होगा, क्या 2015 के बाद हुए हैं? आपने आसाम के दंगे को आपने नहीं भुला है 2015 के बाद हुए हैं? गोधरा को आपने नहीं भुला होगा 2015 के बाद हुए हैं? मेरठ हिंडन नदी के किनारे गोलियां चलाई गई, और किसने चलाई? कोई पब्लिक ने नहीं, बल्कि सरकार के सिपाहियों ने चलाया, 2015 के बाद नहीं है? मुरादाबाद ईदगाह के ऊपर गोलियां बरसी 2015 के बाद क्या? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं आपका दोस्त रियाज रही और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल अपना गांव। दोस्तों, जैसे कि पता होगा आप लोगों को कि मैं पिछले कुछ दिनों से प्रत्याशियों से और कार्यकर्ताओं से इंटरव्यू ले रहा हूं, तो उसी क्रम में आज हम लोग किशनगंज दारुल ईमान पहुंचे थे, जहां पे रोहतास से कुछ लोग आए हुए हैं। और वो लोग क्यों आए हैं, किस पंचायत से आए हैं, किस मकसद से आए हैं, तो पहले उनसे बात करते हैं कि सर आप अपना नाम बताइए और आप किस ज़िले से हैं और किस पंचायत से हैं और पहले क्या करते थे? पहले तो मेरा नाम जब्बार अंसारी हुआ, जिला रोहतास से हम हैं, ग्राम पंचायत बराव हुआ राजपुर प्रखंड से, और हम शुरू से ही जनता के सेवा में लगे हैं और आज तक करते आ रहे हैं। और हमारा मकसद यही है कि पार्टी को, परचम को बुलंद किया जाए, जन जन तक पहुंच करके हर व्यक्ति का सुख दुख में हम शामिल हो जाएं। तो MIM पार्टी, क्योंकि बहुत सारी पार्टियां हैं, तो उसमें जैसे कि NDA है, महागठबंधन है, सपा है, बसपा है, बहुत सारी पार्टियां हैं, अरविंद केजरीवाल जी का आम आदमी पार्टी है जो कि अभी सरकार बनाई है दिल्ली में, तो ऐसे में आप MIM को कहाँ ज्वाइन किए हैं? MIM को इसलिए किया है कि शुरू से हम सुनते आ रहे हैं कि आज तक सच्चाई पे पार्टी चल रहा है, बाकी जो भी लोग हैं सर आप मतलबी हैं, मतलब निकाल करके हम लोग साइड कर देते हैं। यही एक ऐसा पार्टी है कि गरीब अमीर सबको एक समान, छोटे बड़े सबको एक समान लेके चलता है पार्टी। हाँ, इंसाफ एकदम बिल्कुल यही पार्टी चल रहा है, चला रहा है, और कार्यकर्ता को भी मान सम्मान बराबर दे रहा है सर। क्योंकि पार्टी 2015 को बिहार में आई है, पहले तो हैदराबाद, जहाँ पे इस पार्टी की पैदाइश कहें तो पैदाइश हुई है, तो पहले से हैदराबाद में थी। कुछ दिन पहले यानी कुछ सालों पहले, 5 साल पहले पार्टी बिहार में आई 2015 में, तो तब से लेके आज तक आज आप सदस्यता आज ले रहे हैं, ऐसा क्यों? इसलिए कि पहले से हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाए थे, हमारा लगाव नहीं था, और मुकर्रम साहब के माध्यम से हम यहाँ तक पहुँचे, और इनके साथ हम वहाँ तक अख्तरुल इमाम साहब के पास पहुँचे, किशनगंज गए। हमारा मकसद यही है कि जनता का सेवा करें, पार्टी अगर मौका देगी तो हम चुनाव भी लड़ेंगे इंशाल्लाह। जैसे कि आप बोले कि पार्टी अगर मौका देगी हम चुनाव भी लड़ेंगे, तो आपने जनता को आज तक क्या दिया है जो जनता आपको वोट देगी? शुरू से अंत तक जनता का हम सेवा किए हैं जी। हाँ, हर गरीब के सुख दुख में हम काम आए हैं, जातिवाद हमारे अंदर बिल्कुल नहीं है, सामाजिक आदमी हम हैं। हाँ सर, आप सामाजिक हैं, तो क्या आपके फैमिली से कोई आज तक, या आप किसी राजनीति पार्टी से जुड़े हुए थे या पंचायत इलेक्शन में लड़े थे, ऐसा कुछ? हम RJD में बिहार लेवल पर काम करते थे पहले जी, बिहार लेवल में RJD में काम करते थे, तो आप RJD को छोड़ के फिर यहाँ पे आने का आपका क्या मतलब हुआ, क्यों पाए? सही आपने क्वेश्चन किया, इसलिए कि उस पार्टी में आज तक कोई मान सम्मान मुझे नहीं मिला, पंचायत लेवल से लेकर के बिहार लेवल तक हमने सेवा करते आ रहा है, मगर आज तक कहीं कोई पूछने वाला नहीं है, इतना तक कि मंच पर नाम तक लोग नहीं लेता है। इस तरह का मान सम्मान, क्या आपको कोई पद चाहिए था? नहीं, पद कुछ नहीं चाहिए था, जो कर्ज करता है, अच्छा काम करता है, कम से कम मंच पर नाम लेना चाहिए, मंच पर वहीं पर हम लोग रहते हैं और नजर अंदाज लोग कर देता है, और जितने ज्यादा लोग आगे आ जाता है, बाकी सभी को पीछे कर देता है, वोट का समय आता है तो हम लोग आगे कर देता है, मतलब निकल जाता था पीछे कर देता है, खाली बस जाके प्याला की तरह इस्तेमाल किया फेंक देता है लोग।
यही मकसद है हमारा। यानी कि उन लोग का काम है सिर्फ यूजिन थर्म, यानी कि थर्मोकोल वाला ग्लास है, पानी पिए और फेंक दिए उठा के। तो कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति कर रही थी आपको ऐसा लग रहा है, इसलिए आप राजद छोड़ करके आप MIM में आए। जी हाँ, तो आपको लगता है कि MIM बिहार का हालत को सुधार पाएगी? हाँ बिल्कुल, इंशाल्लाह बिल्कुल सुधारेगी। आपके रोहतास में MIM का पकड़ कैसा? अभी उधर कम है, मगर हम इधर सब जाएंगे तो उधर मजबूत करेंगे। हमारा मकसद है मजबूत करना। जी तो सर, जैसे कि रोहतास में कुछ हिंदू वोट भी है, मुस्लिम वोट भी है, तो उसमें हिंदू वोट ज्यादा होगा शायद, तो उन लोगों में कैसा पकड़ है? हिंदू समाज में भी वैसा ही पकड़ है, मुस्लिम समाज में बिल्कुल दोनों सेम टू सेम हमारा पकड़ है। हाँ, हम दोनों के लिए लड़ते हैं, मरते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको, आप प्रत्याशी बनना चाहते हैं अगर पार्टी आपको टिकट देती है तो। चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमको समय दिया। भैया आप अपना नाम और आप किस पद पे हैं और आप क्या कर रहे हैं अब तक ये बताइए। मेरा नाम हुआ मोहम्मद मुकर्रम हुसैन और अभी इस वक्त हम MIM के अमौर विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष हैं। हम 2015 8 अगस्त से लेकर के आज तक इस पार्टी को लेकर के हम घर घर जन जन तक पहुंचने का काम कर रहे हैं। जी, इस पार्टी का एक ही मकसद है कि हर कोई नीडर और लीडर बने। हर इंसान अपने हक और अपनी पहचान के लिए पूरी जानकारी हासिल करे। इस पार्टी के ऊपर जितने भी इल्ज़ाम लग रहे हैं, जैसे 15 में भी लगाए गए थे और 19 में भी लगाए गए, ये तमाम इल्ज़ाम उन लोगों ने लगाए हैं जिन लोगों ने, आप जैसे सुन रहे थे पासवान जी की ज़बानी, कि जिन लोगों ने आज़ादी के बाद से अब तक दलित, पिछड़ा, मुसलमान और जितने भी बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, सबका वोट हासिल करके सबको ठगने का काम किया। आप एक चीज़ समझ जाइएगा कि कांग्रेस पार्टी ने बुनियाद डाली RSS पर। RSS की स्थापना कांग्रेस ने की और BJP की स्थापना RSS ने की। ये दो मूल सवाल समझने की है और जानने की है। जब हमारे भारत के सबसे लोकप्रिय नेता, जिसको पूरी दुनिया बापू के नाम से जानती है, उसके कातिल को सजा देनी चाहिए थी और फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने RSS के ऊपर बैंड लगाया, और उस बैंड को हटाने वाले कौन हैं ये आपको जानने की ज़रूरत है, और आप आवाम को जानकर इस पर समझदारी से काम लेने की ज़रूरत है कि राजीव गांधी जी ने उस बैंड को हटाने का काम किया, कांग्रेस ने किया, और फिर बाबरी मस्जिद की शहादत से पहले कोई भी भारत के अंदर हिंदू मुसलमान की बात नहीं थी। अगर हिंदू मुसलमान की बात आई है या हिंदू मुसलमान की संस्कृति में फर्क पड़ा है, हम आपको दावे के साथ कह सकते हैं कि हम जब 93-94 में हम UP में रहा करते थे, उस वक्त कोई हिंदू मुसलमान का मामला नहीं था। बाबरी मस्जिद 92 में शहीद किया गया, उसके बाद भी लोगों ने अपने आप को थाम के रखा और अपने हौसले को टूटने नहीं दिया। और जब देखते गए लोग कि यहाँ पर नाइंसाफी की बुछार लगने लगी है, कहीं दलितों को भड़काया गया तो कहीं मुसलमानों के ऊपर अत्याचार करवाया गया, इस तरीके से वहाँ से 92 के बाद से भारत के अंदर हिंदू मुसलमान की नफरत फैलाई गई। सर लेकिन यहाँ पे मैं आपको बात को काटना चाहता हूँ और लोगों का, जैसे आपके जितने भी विपक्षी हैं, चाहे वो RJD हो, कांग्रेस हो या फिर NDA, उन लोगों का कहना यह है कि 2015 से पहले ये जो सांप्रदायिकता का बात है, हिंदू मुस्लिम की बात है, कभी नहीं हुआ करती थी। लेकिन 2015 के बाद जब MIM मुसलमानों के लिए बातों को उठाने लगी, मुसलमानों को भड़काने की काम की, तब से हिंदू मुसलमानों वाली बात बन रही। तो ऐसा क्या आप इसमें गुनहगार हैं या भाजपा वाले गुनहगार हैं इसमें? आपने सही सवाल किया है। हम ये जानना चाहते हैं कि भागलपुर के फसाद को आपने नहीं भूला होगा क्या? 2015 के बाद हुए हैं,
आपने आसाम के दंगे को आपने नहीं भूला है, 2015 के बाद हुए हैं। गोधरा को आपने नहीं भूला होगा, 2015 के बाद हुए हैं। मेरठ हैंडन नदी के किनारे गोलियां चलाई गई, और किसने चलाई? कोई पब्लिक ने नहीं, बल्कि सरकार के सिपाहियों ने चलाया। 2015 के बाद नहीं है। मुरादाबाद ईदगाह के ऊपर गोलियां बरसी, 2015 के बाद क्या? देखिए, ये लोग न हिंदू के हैं न मुसलमान के हैं, ये लोग सिर्फ अपनी रोटी सेकते हैं। मैं पूछता हूँ कि आए दिन खबरें आती हैं कि जहाँ पर ये सवर्ण लोग हैं, जहाँ पर ये ब्राह्मण हैं, जहाँ पर ये राजपूत हैं, मैं सबको नहीं कहता, उनमें भी अच्छे लोग हैं, हर दो दिन चार दिन के बाद कहीं ना कहीं प्रताड़ित, कहीं ना कहीं जानलेवा मामला पेपर में, अखबार में और न्यूज़ चैनलों में चलता है। लेकिन आप एक भी मिसाल बता दीजिए कि जहाँ पर मुसलमान है और दलित है वहाँ पर कोई मामला हुआ। यानी कहने का मतलब ये है कि जितने भी मामले, जितने भी फसादात होते हैं, सभी ये लोग कर रहे हैं, यानी कि ब्राह्मण लोग कर रहे हैं, स्वर्ण लोग कर रहे हैं, आपका कहना ये है? उनकी खेती ही वही है, उनकी खेती वही है। अगर वो खेती, वो अगर उस खेती को नहीं करेंगे तो फिर पिछड़े के बच्चे भी, क्योंकि पिछड़े को अगर फंसाया नहीं जाए तो उनके बचे हुए पैसे से उनके बच्चे शिक्षा हासिल कर लेंगे, और जब शिक्षा हासिल कर लेंगे, जैसे आप पासवान जी की बात सुन रहे थे, तो शिक्षा हासिल करने के बाद उसको गुमराह करना या उसको भड़काना, उसके हाथ में हथियार देना, ये सब नहीं चलेगा। इसीलिए उसको पहले ही तोड़ दिया जाता है, उसकी जड़ों को पहले ही काट दिया जाता है। चलिए सर, हम बात करते हैं आपका कि आप अमोर विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष हैं, तो क्या आप भी प्रत्याशी का दावेदार पेश कर रहे हैं आप अपना? इस मामले पर हमने बिहार प्रदेश अध्यक्ष से बात की थी जी, कि इस पार्टी का वसूल यह है कि अगर हमने भी अगर अपनी दावेदारी दी है तो हमने पार्टी के अंदर दी है जी, पब्लिक में नहीं। यानी पार्टी का दिशा निर्देश यह है कि आप पार्टी के लिए क्षेत्र में काम कीजिए और आप पार्टी को मजबूत कीजिए, ना कि आप अपने लिए काम कीजिए, बल्कि आप अगर प्रत्याशी बनना चाहते हैं तो पार्टी का उसूल है कि पार्टी के अंदर आपने दरखास्त लगा दी है, आप निस्वार्थ होकर के, अगर आप हमदर्द हैं, अगर हम हमदर्द हैं, तो हम निस्वार्थ होकर के, पार्टी क्या फैसला करेगी, हम बिल्कुल लगे काम कर रहे हैं। और जहाँ तक सवाल इस बात का है कि हम अगर दिए भी हैं तो हम पार्टी के अंदर दिए हैं, हम पार्टी के बाहर अभी नहीं हैं, क्योंकि पार्टी के बाहर तब होंगे जिस दिन पार्टी हमें दे, किसी को भी दे, जिस दिन पार्टी फैसला कर लेगी, उस दिन से कोई भी पब्लिक के लिए प्रत्याशी होगा। सर, कहीं ना कहीं बहुत सारे प्रत्याशी अभी अपना पोस्टर टांग चुके हैं, अपने आप को प्रत्याशी भी कहलाते हैं, और ऐसे में आपने आवेदन आपके प्रदेश अध्यक्ष को दिए हैं, तो कल दिन अगर पार्टी उन लोगों में से किसी को टिकट देगी तो क्या फिर भी आप पार्टी के साथ टिके हुए रहेंगे? आपने पहले एक सवाल ये किया है कि बहुत सारे लोग प्रत्याशी लगाए हैं, तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जो शपथ पत्र पढ़ाया गया है, उस शपथ पत्र में ये लिखा गया है, उसको पढ़ाया गया है कि हम प्रत्याशी नहीं हैं, हम इलेक्शन लड़ने की नीयत से या उस की कोई धारणा लेकर के हम पार्टी में शामिल नहीं हो रहे हैं, बल्कि हम पार्टी को मजबूत करने की नीयत से शामिल हो रहे हैं। जैसे जब अब्दुल जब्बार साहब ने आपको कहा कि पार्टी अगर बनाना चाहेगी तो, आज अगर इतने लोग प्रत्याशी बन के घूम रहे हैं तो मैं ये समझता हूँ, जैसे पार्टी के आला कमान से आज भी बात हुई हमारी, कि लोगों को एक्टिव मेंबर लिखना चाहिए था, या खादिम या कार्यकर्ता लिखना चाहिए था। आज लोगों के जहन को बिल्कुल इंतजार में डाला हुआ है। की भी बुनियाद संघर्ष की बुनियाद है। इस पार्टी का मकसद सिर्फ इलेक्शन लड़ना नहीं है, बल्कि लोगों के लिए काम करना है, जो पिछड़ा, जो बीमार है उनको मदद करना है, जो मजलूम है उनकी मदद करनी है, जो जिस तरीके से भी परेशान हाल है उसकी मदद करनी है। एक तहरीक भी है, ये पार्टी भी है। पहले ये तहरीक है, फिर ये पार्टी है। अगर तहरीक नहीं ये होती तो आप दास्तान उठा लीजिए 2015 के बाद, 2016 में हमारे कायल जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवेसी साहब ने यहाँ पर राहत कार्य का काम करने का काम किया,
आप 2017 में देख लीजिए कि उसने वहां से हैदराबाद से डॉक्टर सारी चीजों को लगा करके पूरा पूरी क्या कहते हैं हॉस्पिटल की टीम को यहाँ भेज करके मेडिकल कैंप लगाने का पूरे सीमांचल में काम किया जी। अगर ये तहरीक नहीं है तो क्या है बताइए। उनका एक ही मकसद है कि भारत का बच्चा बच्चा शिक्षित हो जाए, भारत का बच्चा बच्चा सच बोलने वाला हो जाए, भारत का बच्चा बच्चा निडर हो जाए, लीडर हो जाए। नेता बनना तो आसान है लेकिन लीडर बनना बहुत मुश्किल है जी। तो सर मेरा आखिरी सवाल ये है, जो सवाल आपको मैंने किया था कि अगर पार्टी का टिकट आपको नहीं दिया क्योंकि आपने आवेदन दिया है, तो ऐसे में आप क्या कीजिएगा? और अगर अख्तरुल ईमान साहब खुद लड़ना चाहेंगे तो आप उसमें क्या करेंगे? अगर अख्तरुल ईमान साहब लड़ना चाहेंगे तो वेलकम है जी, क्योंकि उससे आगे कोई बात हो ही नहीं सकती। और फिर जहाँ दूसरी बात आपने सवाल किया है कि किसी को दे दे, देखिए अभी देने और नहीं देने की बात नहीं है जी। हमने तो सींचा इसलिए है कि यहाँ पर एक तहरीक कायम हो, यहाँ पर एक इनकलाब पैदा हो। हमने सड़कों पर सो करके धरना देने का काम किया है, हमने ब्लॉकों के अंदर धरना देने का काम किया है, हमने चौक चौराहों को जगाने का काम किया है। हमने यहाँ के जब हम यहाँ पर थे तो हमको लोगों ने न जाने कितने अल्फाज से नवाजे थे। यहाँ पर हमने 150 जवानों को तैयार किया था, मेरा कारवा जवानों से शुरू हुआ है। ये सरजमीन गवाह है। मेरी तहरीक का असल हिस्सा अगर कोई है तो अमौर विधानसभा अमौर प्रखंड का जवान है, और जवानों को लेकर के ही हमने चाहे रोड में सोने का काम हो, चाहे ब्लॉक के अंदर तालाबंदी का काम हो, यहाँ के दलित भाइयों ने साथ दिया था। सबसे पहले दलित भाइयों ने, हमारे गंडू पंचायत के दलित भाइयों ने चारों गेट में ताला मारने का काम किया था जब लोगों के घर डूब रहे थे। तो हम दलित से अलग कहाँ हुए जी? मेरे दलित भाइयों ने हमको साथ दिया। हम दलित के हैं, दलित हमारा है। जो जालिम है वो हमारा हो नहीं सकता, ना भारत का है, ना भारत के किसी भी धर्म के तहजीब के साथ है, बल्कि भारत के तमाम तहजीब के खिलाफ है। तो ये थे हमारे मुकर्रम साहब, जो कि AIMIM ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अमौर विधानसभा से विधानसभा अध्यक्ष हैं। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबों का, आपने अपना कीमती वक्त निकाल करके हमारे चैनल को दिया, हमारी टीम को दिया। बाकी दोस्तों हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं आपका दोस्त रियाज राही, आपका अपना चैनल अपना गाँव से। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।